इधर इस तरीके शिव भगवान का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ में, दूसरा विवाह जामवती के साथ में, और तीसरा विवाह शक्तिभामा के साथ में, चौथा विवाह कालिंदी के साथ में, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में, और छठवा विवाह सत्या के साथ, सातवा विवाह शीलभद्रा के साथ में, और आठवा विवाह लक्ष्मणा के साथ में। ये भगवान के आठ विवाह हुए हैं। एक राजा हुआ है जिसा जिसे पृथ्वी का पोत्र भी कहते हैं। इस राजा ने एक संकल्प किया है कि मैं अपनी शादी जब करूंगा, उस राजा ने ये संकल्प किया था कि मैं अपना विवाह तब करेंगे जब तक कि 20,000 कन्याएं जेल में नहीं भर लेंगे। अब उस राजा का एक नियम था कि कोई सुंदर लड़की देखे पकड़े उसे जेल में डाल दे, कोई सुंदर लड़की देखे पकड़े और उसे जेल में डाल दे। इस तरीके से उस राजा ने 16,001 से जब कन्याएं उस जेल में भर ली, तो उसी समय उन कन्याओं के पिता भगवान के पास में आए, रोए, तो भगवान कन्हैया ने उस नरकासुर का वध किया और कन्याओं को जेल से बाहर निकाला। जब जेल से बाहर निकाला तो उन कन्याओं के पिता कहने लगे कि हे प्रभु, ऐसा करो, आप मेरी बेटियों की शादी अपने ही साथ में कर लो। उसी समय भगवान कन्हैया मुरली मनोहर योगी राजकृष्ण ने 16,001 से उनके साथ विवाह कर लिया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,001 से 8। ये भगवान के विवाह हुए हैं। एक प्रमाण और मिलता है कि भगवान की एक एक रानी से 10 लला और एक एक बिटिया पैदा हुई। भगवान की एक एक रानी से 10 लला और एक एक बिटिया। और भगवान को कितनो लंबो चौड़ो परिवार तो मालूम। लली लला कितने हते? 1,00,000। 1,77,188। रोज भंडारे से चलते थे, रोज एक आते थे होते हो जाते, ये तो कोई फर्क ना है। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। आज इस तरीके से भगवान कन्हैया के विवाह हुए हैं। एक छोटा सा भगवान का कीर्तन बोल लें और फिर यहाँ से आगे की कथा सुनेंगे।